Hello students, the topic for this video lecture is production possibility curve and the problem of choice. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको उत्पादन संभावना वक्र तथा चुनाव की समस्या के बारे में समझाऊंगी. सबसे पहले हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग पता होना चाहिए. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र वो वक्र है जो हमें दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिन्हें एक अर्थव्यवस्था में दिए गए साधनों और तकनीक से उत्पादित किया जा सकता है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व विच शोज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. हर इकोनॉमी में कुछ रिसोर्सेज और कुछ टेक्नोलॉजी होती हैं. आप उन रिसोर्सेज और उन टेक्नोलॉजी को यूज करके जितनी भी गुड या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हो, अगर मान लो हम उनसे किन्हीं दो गुड को प्रोड्यूस करते हैं तो दो गुड्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे जिन्हें उन रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोड्यूस किया जा सकता है, उन सब कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करके जो कर्व आता है उस कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं. मान लीजिए कि एक इकोनॉमी में दो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है. फर्स्ट गुड इज वीट, एक वस्तु है वीट गेहूं, और दूसरी है क्लॉथ कपड़ा. जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनसे ये दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो. अगर आप कंट्री के सारे रिसोर्सेज सिर्फ वीट के लिए लगा दो गेहूं बनाने में, तो मान लीजिए कि 100 लाख टन वीट की प्रोडक्शन होती है, 100 लाख टन वीट का गेहूं का उत्पादन होता है. पर अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज वीट की बजाय क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगा देते हो, तो मान लीजिए कि क्लॉथ की प्रोडक्शन जो है वो 4000 बेल्स होती है, 4000 बेल क्लॉथ की प्रोडक्शन होती है. इफ द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस बोथ द गुड्स, अगर इकोनॉमी में दोनों गुड को प्रोड्यूस करना है तो कुछ रिसोर्सेज वीट में लगाने होंगे और कुछ रिसोर्सेज क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगाने होंगे. डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज प्रोडक्शन की जो बनती हैं उन्हें हम एक टेबल और डायग्राम के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं. डायग्राम में हमने गुड्स में दो गुड्स ली हैं, वीट एंड क्लॉथ. जब हम सारे रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन में लगाते हैं तो वीट प्रोड्यूस होती है 100, क्लॉथ 0, क्योंकि हमारे सारे रिसोर्स सारी टेक्निक हमने वीट की प्रोडक्शन में लगा दी. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 1000 बेल क्लॉथ प्रोड्यूस हो, तो हमें कुछ रिसोर्स वीट से हटाकर क्लॉथ में लगाने होंगे. कुछ साधनों को वीट की प्रोडक्शन से हटाना होगा, क्लॉथ के लिए उन्हें इम्प्लॉय करना होगा, लगाना होगा, जिससे क्लॉथ की प्रोडक्शन बढ़ के हो जाएगी 0 से 1, और वीट की प्रोडक्शन जहाँ क्योंकि वीट से हमने कुछ रिसोर्सेज को हटाया तो वीट की प्रोडक्शन पहले से कम होके हो जाती है 90. अब अगर आप कुछ रिसोर्सेज और हटा देते हो वीट से और क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगा देते हो तो क्लॉथ इंक्रीज हो गया 2 और वीट की प्रोडक्शन कम होके हो गई 70. सिमिलरली हम वीट की प्रोडक्शन को थोड़ा और कम कर दें, रिसोर्सेज यहाँ से कुछ और हटाकर क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगाएं, देन क्लॉथ की प्रोडक्शन इंक्रीज, वीट की प्रोडक्शन पहले से डिक्रीज हो जाएगी. अगेन लास्ट इज अगर हम सारे रिसोर्स वीट से हटा देते हैं और कहाँ लगा देते हैं, क्लॉथ की प्रोडक्शन में, तो मान लीजिए 4000 बेल्स क्लॉथ की प्रोडक्शन हुई जो अभी हमने एग्जांपल लिया है ऊपर, और यहाँ वीट की प्रोडक्शन कितनी है 0, गेहूँ का उत्पादन कितना है 0, क्योंकि हमने जितने रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगा दिए और वीट के लिए रिसोर्सेज नहीं बचे.
इसी टेबल को जो अभी हमने लिया, अगर हम एक डायग्राम में इसको प्लॉट कर देते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, तो उस डायग्राम को, उस कर्व को बोला जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कैसे बनेगा डायग्राम? डायग्राम में सिंपल सा हमने ग्राफ लेना है, हमने एक्स एक्सिस पे, जस्ट वेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम दोनों गुड्स को शो करेंगे, या हम ये डायग्राम लेकर चल रहे हैं। डायग्राम को मैं एक बार आपको बनाकर ही बता देती हूं। डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे क्लॉथ को लिया है और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वीट को। एक्स एक्सिस पे हमने क्लॉथ को शो किया, वाई एक्सिस पर हमने वीट को शो किया। क्लॉथ जो कि हमने 1000 बेल्स में लिए थे, वीट जिसे हमने लैक टन में लिया था। सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन था, जब हमने सारे रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन में लगाए थे तो वीट की प्रोडक्शन 100 थी और क्लॉथ की 0 थी। जब क्लॉथ की 1 प्रोडक्शन थी तो उस केस में वीट की प्रोडक्शन थी 90, तो ये पॉइंट आपका बना बी। इसी तरह से जब क्लॉथ 2 प्रोड्यूस था तो वीट की प्रोडक्शन कम होके 70, पॉइंट आया सी। सिमिलरली क्लॉथ की प्रोडक्शन और इंक्रीज, वीट की प्रोडक्शन कम होके 40, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज जी। अगेन जब सारे रिसोर्सेज हमने वीट की प्रोडक्शन की बजाय क्लॉथ में लगाए तो क्लॉथ 4 बेल्स था लेकिन वीट 0 थी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, इन सबको इस तरह से ज्वाइन किया हुआ है और ज्वाइन करके ये जो कर्व बना हुआ है ये आपका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसे कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र। इसके ऊपर जो पॉइंट आए, कौन कौन से पॉइंट आए हैं इसके ऊपर? ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड पॉइंट ई। ये पॉइंट वो पॉइंट हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज या टेक्निक हैं, जब हम उन्हें एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, उनका आदर्श उपयोग करते हैं, तो हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन हम अगर मान लो जी पॉइंट पे प्रोडक्शन करते तो जी पॉइंट पर क्लॉथ प्रोड्यूस होता 1.5 के नियर अबाउट और वीट की प्रोडक्शन है 50 के नियर अबाउट। ये ऐसा पॉइंट है जहां हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहे, उनका हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो आपको बताएगा कि आपने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया। अंदर का पॉइंट बताएगा कि आपके रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज नहीं हुए, पूरे यूज नहीं हुए। और जो बाहर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इन द डायग्राम पॉइंट नंबर पॉइंट एफ, इट शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। अनअटेनेबल मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको आप अटेन नहीं कर सकते, पा नहीं सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि आपके पास उतने रिसोर्सेज, उतने साधन नहीं है कि आप इस बाहर वाले पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन कर सको। तो डायग्राम से हमें क्लियर है कि ए ई जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये उत्पादन संभावना वक्र है जो हमें ये बताता है कि हमारे रिसोर्सेज को हम किस तरह से फुलर यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, प्राप्य और अप्राप्य संयोग। अभी अभी मैंने बताया आपको कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो और उसके अंदर भी प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन बाहर के पॉइंट आप अटेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इन द डायग्राम टू गुड्स ली है, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड एक्स वस्तु, वाई एक्सिस पे ली गई है गुड वाई वाई वस्तु। ए बी ए डी इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके ऊपर दो पॉइंट है, पॉइंट बी पॉइंट सी, और अंदर है ई पॉइंट और एफ पॉइंट।
ये पॉइंट अटेनेबल है, अटेनेबल जो आप अपने रिसोर्सेज से पा सकते हो। बी सी पे आपके रिसोर्सेज पूरे यूज होते हैं, ई और एफ पे उनका अंडर यूटिलाइज होता है, पूरे उपयोग नहीं होता, वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। लेकिन इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर जो पॉइंट है, दिस पी पॉइंट एंड दिस क्यू पॉइंट, इन पॉइंट को आप अचीव नहीं कर सकते, अटेन नहीं कर सकते, इन्हें कहा जाता है अनअटेनेबल। तो आपके अटेनेबल कौन से हैं जो आप पा सकते हो, वो क्या क्या है, इसके ऊपर जो जो पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, एफ पॉइंट। लेकिन अनअटेनेबल जिन्हें नहीं पा सकते वो क्या है, पी और क्यू, दैट इज ऑल्सो मैंशनड विद द डायग्राम। Now next point is efficient and inefficient utilization of resources. Resources का efficient use production possibility curve के ऊपर production करने में होता है, लेकिन अगर आप production इसके अंदर करते हो तो आप अपने resources को पूरा नहीं use करते, बल्कि उनका inefficient use होता है, अकुशल उपयोग होता है। इसका मतलब आपके जितने रिसोर्सेज हैं, आप अगर उनका एफिशिएंटली यूज करना चाहते हो तो वो होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, चाहे आप यहाँ लो पॉइंट, इधर लो, यहाँ जो भी आप प्रोडक्शन करोगे इसके अकॉर्डिंग, वहाँ आप अपने रिसोर्सेज को, टेक्निक को पूरी तरह से यूज करोगे। लेकिन अगर आप अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करते हो तो वो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जहाँ आप अपने साधनों का सही उपयोग नहीं कर रहे होते हो। तो ये था साधनों का कुशल प्रयोग कहाँ होता है और अकुशल प्रयोग, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट यूज कैसे होता है। अब बात आती है कि क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा सेम ही रहता है या उसमें चेंज भी आता है। बिल्कुल ये हमेशा सेम नहीं रहता, इसमें जब आपके रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं या कुछ भी चेंजेस ऐसे आते हैं जिनकी वजह से दोनों गुड्स की प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी चेंज हो जाता है। हम यहाँ उन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इधर, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर रिसोर्सेज की ग्रोथ हो जाती है, अगर संसाधन बढ़ जाते हैं, मान लो आपके पास पहले लेबर और कैपिटल कम है, पर आपको ज़्यादा लेबर ज़्यादा कैपिटल मिल जाती है प्रोडक्शन के लिए, तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, अभी हमने डायग्राम में लिया था, सपोज एक्स एक्सिस पर X गुड है, Y एक्सिस पे हमने ली गुड Y, और हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, A B। जैसे ही आपके पास ज्यादा रिसोर्स आएंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका शिफ्ट होके क्या हो गया, C D। ठीक है, तो रिसोर्सेज अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर रिसोर्सेज कम हो जाते, जैसे कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये ए बी है, रिसोर्सेज के इंक्रीज होने से ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, पर अगर रिसोर्सेज कम हो जाते तो ये डाउनवर्ड आ जाता, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि किस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर तकनीक में सुधार हो जाता है। हम दो गुड्स लेकर चल रहे हैं, एक्स गुड और वाई गुड, अगर एक्स गुड या वाई गुड में से किसी भी गुड की प्रोडक्शन के लिए आप अच्छी टेक्निक यूज करनी शुरू कर दो तो किस तरह के चेंजेस आएंगे। मान लो इनिशियली आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है पीपी, पीपी इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और वीट की प्रोडक्शन में अब आप अच्छी टेक्निक यूज करना शुरू कर देते हो, तो होगा क्या, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था ये पीपी, आपने जब वीट की प्रोडक्शन के लिए अच्छी टेक्निक यूज करनी शुरू करी तो वीट की प्रोडक्शन पी से बढ़कर इंक्रीज हो जाएगी, मान लो हमने यहां ले ली, लेकिन क्योंकि वीट में प्रोडक्शन बढ़ी, क्योंकि वीट के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी आई,
पर क्लॉथ की प्रोडक्शन सेम रहेगी. क्यों? क्योंकि क्लॉथ के लिए हमने अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया. पर अगर आप वीट और क्लॉथ दोनों के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी यूज करते, तो वीट की प्रोडक्शन भी बढ़ती, क्लॉथ की भी बढ़ती. तो उस केस में आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का इस तरह से शिफ्ट होता और ये बन जाता P1. तो जब आप प्रोडक्शन के लिए जो भी गुड आप प्रोड्यूस कर रहे हो उनके लिए इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हो, टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, तब भी आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का चेंज हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत. अवसर लागत क्या है? अवसर लागत और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सिंपली द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अगले विकल्प की जो लागत होती है, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे अच्छा होगा, उसकी कॉस्ट को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहोगे. मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास एक लैंड का पीस है, भूमि का एक टुकड़ा है, और आप उसके ऊपर या तो राइस लगा सकते हो, या वीट लगा सकते हो, शुगर केन लगा सकते हो, पीनट लगा सकते हो. अगर आप राइस को प्रोड्यूस करते हो तो मान लीजिए आपके पास प्रोडक्शन होती है 10 टन राइस, जिनकी मार्केट में कीमत है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज. वीट लगाते हो, राइस नहीं लगाते, 12 टन वीट होता है, 12,000 आप अर्न करते हो. तीसरी अपॉर्चुनिटी है, आप शुगर केन लगाओ, 25 टन लगेगा, 15,000 आपकी इनकम होगी. पीनट अगर आप लगाते हो, 5 टन लगते हैं, 20,000 आपकी अर्निंग होती है. तो आप चारों में से क्या चूज करोगे? आप देखोगे आपको सबसे ज्यादा फायदा कहाँ है, किसमें है आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट, फोर्थ अपॉर्चुनिटी में. तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे? पीनट. कितने पीनट प्रोड्यूस होंगे? 5 टन, या आपकी अर्निंग हो जाएगी. पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पीनट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पीनट ऑन द लैंड, भूमि के ऊपर पीनट को लगाने की अवसर लागत क्या है, देन आंसर विल बी 15,000 रुपीज और 25 टन ऑफ शुगर केन. वाई? क्योंकि पीनट अगर आप नहीं लगाते तो उसके बाद आपके पास इन तीन में से सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, सबसे बेटर है इन तीनों में से 25 टन ऑफ शुगर केन. अगर आप पीनट नहीं लगाओगे तो शुगर केन लगाओगे, इसका मतलब पीनट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 25 टन ऑफ शुगर केन. और अगर शुगर केन की पूछी जाए तो वो होगी 12 टन ऑफ वीट. अगर वीट की पूछी जाए तो वीट के बाद 10 टन ऑफ राइस. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अगले सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प आपके पास है उसकी लागत को आप बोलते हो अवसर लागत. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के दो एस्पेक्ट हैं, दो पहलू हैं, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फर्स्ट है, सेकेंड है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कुल अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत. टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन द गिवन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2. आप एक रिसोर्स से सारे साधन हटा देते हो, उन्हें दूसरी अपॉर्चुनिटी में लगा देते हो, तो उससे आपको आउटपुट में जो लॉस होता है टोटल, उसे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया, हमारी गिवन लैंड है, उसके ऊपर हम प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप वन की, और क्रॉप वन की जगह क्रॉप टू लगा देते हैं, तो हमें क्रॉप वन में कितना लॉस होगा? 10 टन का. तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी आपकी? 10 टन. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट ऑफ क्रॉप टू व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू द अदर. इट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको ये बताता है कि अगर आप क्रॉप टू की कुछ एडिशनल आउटपुट करना चाहते हो, वन यूनिट इंक्रीज करना चाहते हो, तो क्रॉप
वन की आप कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करोगे। एग्जाम्पल हम सेम लेकर चल रहे हैं, लॉस ऑफ सम लैंड इज शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप वन टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप टू। अगर हम वन की बजाय कुछ रिसोर्सेज को टू की प्रोडक्शन में लगा देते हैं, तो वन में लॉस आया मान लीजिए 50 टन का, जिसको आप बोलोगे चेंज इन द लॉस ऑफ आउटपुट 50, और गेन दूसरे की प्रोडक्शन बढ़ेगी मान लो वो इंक्रीज होके हो जाती है 25, तो आपका गेन है 25 और लॉस कितना है 50। तो यहाँ पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ जाएगी, जो आपका लॉस है 50 डिवाइड बाय जो आपने गेन किया 25, आंसर आएगा 2 टन ऑफ क्रॉप वन। इसका मतलब क्रॉप वन का क्रॉप टू प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट क्रॉप टू की प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्रॉप वन की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा था, 2 यूनिट का, तो वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डायग्राम से भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे एक्स गुड, वाई एक्सिस पे हमने लिया है वाई गुड को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है आपका ए पी। सपोज इनिशियली हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने सी के ऊपर हम पहले कंजम्पशन कर रहे हैं, सी के ऊपर हम एक्स गुड कितनी प्रोड्यूस करते हैं ओ एस, और वाई कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं ओके। जब हम एक्स गुड की कुछ यूनिट को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और वो सेक्रीफाइस कैसा होगा, हमेशा ये सेक्रीफाइस डिमिनिशिंग होता है, कम होता जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अभी पीछे भी हमने देखा, एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। हमने अभी जब पीछे एक टेबल बनाया था स्टार्टिंग में बिल्कुल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, तो उस टेबल में हमने लिया था एक्स एक्सिस पे हमने एक गुड ली थी वीट और दूसरी गुड हमने ली थी क्लॉथ, और ये सेक्रीफाइस कैसा था, जैसे जैसे आप एडिशनल क्लॉथ को यूज करते हो, एक एक यूनिट को यूज करते हो, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हो, तो आप वीट का सेक्रीफाइस कर रहे हो। पहले सेक्रीफाइस है 10 का, फिर ये इंक्रीज होके हो जाता है 20 का, देन 30 का, फिर 40 का। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक गुड की एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपने दूसरे का जितना सेक्रीफाइस किया, दैट इज द मार्जिनल मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इस रेशियो को, जैसे ये है 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, इसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। और ये दर कैसे होती है, हमेशा ये इंक्रीजिंग में होती है, और इसके इंक्रीजिंग में होने की वजह से ही जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी शेप कैसी बनती है, कनकेव। ये इस शेप को कहा जाता है कनकेव शेप, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस शेप का बना है। रीजन है क्योंकि हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज, अभी मैंने दिखाया आपको, टेबल से बताया भी है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एडिशनल यूनिट के प्रोड्यूस करने के साथ साथ इंक्रीज होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली इसकी शेप कैसी होती है, कनकेव, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और ये कनकेव क्यों है, क्योंकि ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग के ऊपर बेस्ड है। पीपीसी की स्लोप सेकेंडली डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब हमने जब डायग्राम बनाया तो हमने इस तरह का डायग्राम देखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा है, ये होती है कनकेव शेप, इस शेप को बोला जाता है कन्वेक्स शेप। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका कैसे बन रहा है, कनकेव में। सेकेंडली ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको हमने ऐसी शेप नहीं बनाई कि नीचे से ऊपर की तरफ चला जाए। ये डाउनवर्ड क्यों आता है, क्योंकि जब आप एक गुड की एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हो तो आपको दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप एक को भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करो, दूसरे को भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करो, दैट्स वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।